कूलिंग मेथड्स ऑफ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता है तो लोड इंक्रीज होने पर मोर फ्लक्स लिंकेज के कारण कोर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है एंड ट्रांसफार्मर मेन टैंक में जो ऑयल फिल्ड रहता है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है जिससे ऑयल का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर राइज होने से मशीन की इफिसेंसी डिक्रीज होती है इसलिए ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग्स को कूल करने के लिए इन फॉलोइंग मेथड्स का यूज करते हैं दैट इज एयर नेचुरल कूलिंग मेथड एयर ब्लास्ट कूलिंग मेथड ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ऑयल नेचुरल एयर फोस्ट ऑयल फोर्स्ड एयर फोस्ट ऑयल नेचुरल वाटर फोस्ट एंड ऑयल फोर्स्ड वाटर फोस्ट इन डिफरेंट कूलिंग मेथड्स को काफ़ी डिटेल में समझेंगे टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली फर्स्ट है एयर नेचुरल इस मेथड के हेल्प से ट्रांसफॉर्मर में जो हीट जनरेट होती है वो सर्कुलेशन ऑफ नेचुरल एयर के कारण कूल होती है इस मेथड को सेल्फ कूल्ड मेथड भी बोलते हैं इस मेथड का यूज स्मॉलर रेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स में किया जाता है जिसका आउटपुट रेटिंग अबाउट 1.5 पॉइंट एम बी तक रहता है दूसरा है एयर पोस्ट। इस मेथड में ट्रांसफॉर्मर के आउटर पोर्शन पर फैन के हेल्प से एयर ब्लास्ट करते हैं फैन के हेल्प से हम लोग ट्रांसफार्मर के आउटर टैंक पर एयर प्रोवाइड करते हैं जिसको एयर ब्लास्ट बोल रहे हैं जब टैंक सेफ वैल्यू से ज़्यादा हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फैंस जो रहता है वो ऑन हो जाता है एंड एयर के ब्लास्ट के कारण टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है इन दोनों मेथड्स का यूज़ यूजुअली ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स के लिए किया जाता है नेक्स्ट है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल इसका यूज ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर्स में किया जाता है मतलब हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर्स जो रहता है जिसके टैंक में हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ड करते हैं वाइंडिंग एंड कोर जो रहता है वो ऑयल में इमर्ज रहता है वहाँ पे हम लोग ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल मेथड का यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर के साथ रेडिएटर लगा हुआ रहता है जो कि होलो पाइप होता है सो ट्रांसफार्मर ऑयल जब हीट होता है तो हीटेड ऑयल इस तरह रेडिएटर के थ्रू सर्कुलेट करता है एंड अपर पोर्सन पर जाता है सो so, जब हीटेड ऑयल इस रेडिएटर से सर्कुलेट करता है तो नेचुरली उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है ड्यू टू एटमोस्फेरिक एयर इस मेथड में जो ऑयल रहता है वो नेचुरली रेडिएटर में सर्कुलेट करता है एंड नेचुरल एयर के इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कूल cool होता है इसलिए इस मेथड को ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग मेथड बोलते हैं अबाउट 30 एम ए रेटिंग तक के ट्रांसफॉर्मर्स को कोलिंग प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के मेथड का यूज करते हैं नेक्स्ट है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स इसमें भी प्रीवियस मेथड के द्वारा ऑयल नेचुरली सर्कुलेट करता है एंड हीटेड ऑयल रेडिएटर के थ्रू ऊपर की ओर नेचुरली सर्कुलेट करता है क्योंकि हीटेड ऑयल अपर पोर्शन पे जाता है एंड लो टेम्परेचर ऑयल जो रहता है वो लोअर पोर्शन पे रहता है पर इस मेथड में फैन के हेल्प से रेडिएटर के चारों ओर हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं जिसको एयर फोस्ड बोल रहे हैं जब फैन के हेल्प से रेडिएटर पर एयर प्रोवाइड करते हैं तो सर्कुलेटिंग ऑयल का टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होती है इस मेथड का यूज़ अप टू सिक्सटी मेगावोल्ट एम्पियर तक का जो ट्रांसफॉर्मर आता है उसमें कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है ऑयल फोस्ड एयर फोस्ड इस मेथड में ऑयल को पंप के हेल्प से फोर्सली सर्कुलेट कराते हैं जिसको ऑयल फोस्ड बोल रहे हैं एंड फैन के हेल्प से रेडिएटर पर हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं जिसको एयर ब्लास्ट करना भी बोला जाता है इसलिए इस मेथड को ऑयल फोर्स एयर फोर्स मेथड बोलते हैं नेक्स्ट है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स इस मेथड में ऑयल को सर्कुलेट कराने के लिए पंप का यूज नहीं करते हैं ऑयल टैंक में नेचुरली प्रेस रहता है हीटेड ऑयल अपर पोर्शन पर रहता है एंड लो टेम्परेचर ऑयल लोअर पोर्शन पर रहता है एंड वाटर फोर्स का मतलब है कि टैंक में हीट एक्सचेंजर को इंस्टॉल करते हैं एंड पंप के हेल्प से हीट एक्सचेंजर में वाटर सर्कुलेट कराते हैं जब हीट एक्सचेंजर में ठंडा पानी इंटर करता है तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का टेम्परेचर वाटर में ट्रांसफ़र होता है जिससे ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंड लो टेम्परेचर ऑयल टैंक के लोअर पोर्शन पर आ जाता है एंड हीटेड ऑयल जब ऊपर जाता है उसका हीट वाटर में एक्सचेंज होता है बिकॉज इस हीट एक्सचेंजर में कंटिन्यू वाटर सर्कुलेट करते रहता है ठंडा पानी इंटर करता है एंड ऑयल के टेम्परेचर को रिसीव करके वो गर्म पानी में कन्वर्ट हो जाता है एंड हीटेड वाटर एग्जिट करता है यही साइकिल कंटिन्यू रिपीट होती है एंड ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग प्रोवाइड करता है इस कूलिंग मेथड का यूज़ वेरी हाई रेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स में किया जाता है लास्ट है ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्ड दैट इज़ ओ एफ डब्ल्यू एफ इस मेथड में हीट एक्सचेंजर को कुछ इस तरह टैंक के साथ अटैच करते हैं इसमें पंप के हेल्प से वाटर सर्कुलेट कराते हैं एंड ट्रांसफार्मर ऑयल को भी पंप के हेल्प से हीट एक्सचेंजर में सर्कुलेट कराते हैं जिससे वाटर एंड ऑयल का इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है एंड कन्वेक्सन प्रोसेस के थ्रू ऑयल का टेम्परेचर वाटर में ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर कम होता है एक्सचेंजर में कंटिन्यू पानी सर्कुलेट करते रहता है विद द हेल्प ऑफ पंप ठंडा पानी इंटर करता है एंड हीट को रिसीव करके गर्म पानी में कन्वर्ट होता है एंड हीटेड वाटर आउटलेट पाइप से बाहर निकलता है यह साइकिल कंटिन्यू रिपीट होता है एंड ट्रांसफार्मर का कोर एंड वाइंडिंग जो है वो हाई टेम्परेचर के कारण डैमेज नहीं होता है इस टाइप के कूलिंग मेथड का यूज़ लार्ज एंड वेरी हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर्स में किया जाता है ट्रांसफार्मर में मेनली फोर टाइप का लॉस होकर होता है दैट इज़ आयरन लॉस जिसको कोर लॉस भी बोलते हैं नेक्स्ट है कॉपर लोस जिसको आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं थर्ड है अस्ट्रे लोस एंड लास्ट वन इज डाइलेक्ट्रिक लॉस कोर लोस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे एडी करेंट लॉस रिड्यूस होती है एडी करेंट लॉस कोर लोस में आता है वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर से पास होती है तो उस कंडक्टर में ई एम एफ होता है एंड उस ई के कारण उस कंडक्टर में एक करेंट सर्कुलेट करती है जिसको एडी करंट बोलते हैं इस एडी करंट का सर्किट में जब कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है तो जो करंट है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है इसलिए इसको एक टाइप का लॉस कंसीडर करते हैं क्योंकि इससे मशीन की जो इफिसंसी है वो रिड्यूस होती है डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंट तरह से यूज़ किया जा सकता है इसका मेजर यूज़ होता है अल्टरनेटिंग करेंट के वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए लो ए वोल्टेज को हाई ए वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं एंड हाई ए वोल्टेज को लो ए वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं पावर ट्रांसफार्मर का यूज जनरेटिंग स्टेशन एंड सब स्टेशन में किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि जनरेटेड पावर के वोल्टेज को स्टेप अप करता है उसको इंक्रीज करता है एंड सब स्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल रहता है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें